आज के ई कंटेंट का विषय है ग्रामीण समाजशास्त्र बीए भाग द्वितीय का सेकंड पेपर। ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की ही एक उपशाखा है। समाजशास्त्र के कई उपभाग हैं जिसमें नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, विकास का समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र इत्यादि विभिन्न हैं। इन समाजशास्त्र में यानी समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत तो समाज के समग्र क्षेत्र का विषयवार अध्ययन किया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर जब एक ग्रामीण समाजशास्त्र की विभिन्न उपशाखाओं में किसी समाज के किसी विशेष पहलू का अध्ययन किया जाता है, जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र जो है ग्रामीण पर्यावरण से संबंधित समाज का सूक्ष्म व्यवस्थित स्पष्ट अध्ययन करता है। ग्रामीण परिवेश की क्या विशेषताएं हैं, ग्रामीण समाज के अंतर्गत क्या परंपराएं हैं, सामाजिक संस्कृति क्या है, ग्रामीण समाज नगरीय समाज से किस तरीके से भिन्न है या समाजशास्त्र से किस तरीके से अलग है, उसे अलग बनाने का कारण क्या है, ये सब चीज़ें हैं। चूँकि भारत जो है वो गाँव का देश है, आज भी यहाँ की 68% जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र या कृषि संबंधी कार्यों में लगी हुई है। इसका मतलब परिवेश ग्रामीण है। अगर उस 68% जनसंख्या के संपूर्ण पक्ष का अध्ययन न करके हम समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं को सीधे ही भारत देश पर लागू करेंगे तो हमें सही तरीके से परिणामित जो विषय के अध्ययन का जो मूल आधार है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए समाजशास्त्र की एक उपशाखा के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र के तहत हमें भारतीय ग्रामीण परिवेश की संस्कृति, समाज व्यवस्था, सामाजिक संगठन, परंपरा, क्षेत्र, रीति रिवाज, समस्याएं, इन सभी चीज़ों से हमें हम अवगत होते हैं और इसके बाद में इससे संबंधित विभिन्न अध्ययन जो करते हैं वो अध्ययन वो शोध का जो विषय होता है वो ग्रामीण समाज की समस्याओं को दूर करने, उनके कारण व निवारण के ऊपर निर्धारित होता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो है ग्रामीण सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना। विश्व की अधिकांश जनसंख्या भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, क्योंकि प्राचीन जितनी भी कहानियां हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हम बच्चों को या फिर हम अपने बच्चों को सुनाते हैं तो उन कहानियों की पहली लाइन जो होती थी कि एक गाँव था, एक कोई अमुक नाम का व्यक्ति रहता था या उस गांव में एक जंगल था, इस तरीके से कहानी सुनाते थे। उस कहानी का मूल आधार जो है उसमें भी जो पहली जो इकाई है देश की वो है गांव, ग्राम। और वैदिक काल के अंतर्गत भी सामाजिक संगठन की जो प्रथम इकाई थी, संक्षिप्त इकाई, वो ग्रामीण थी, ग्राम ही थी। यानी भारत पौराणिक समय से गाँव का देश रहा है। अतः समाज की इस सूक्ष्म इकाई का अगर बृहद तरीके से समग्र अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा तो सूक्ष्म से बृहद स्तर तक जाने के जो विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न अध्ययन हैं, वो भी हमें संभवतः सही साबित ना हो। ग्रामीण समाजशास्त्र के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा, समाजशास्त्रियों द्वारा विभिन्न परिभाषाएँ भी दी गई हैं। ग्रामीण सभ्यता जो है कई हजारों वर्षों पूर्व की सभ्यता है, जबकि नगरीय जीवन कुछ शताब्दियों गिनती में है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता, प्राचीनतम नगरीय सभ्यता का उदाहरण मानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम नगरीय सभ्यता का उदय मान सकते हैं और यही एक ऑथेंटिक या फिर आंकड़ों में या फिर जो कालिक गणना जो हुई है इस सभ्यता की ही शुरुआत हुई है, जिसे एक समय काल के संदर्भ में एक नाम दिया गया। उससे पहले संभवतः मानव जीवन ग्रामीण ही रहा हो, अगर जंगलों में जीवन निवास किया था उसने, उसके बाद वो ग्रामीण या समूह समुदाय संगठन जो अपने आप में एक ग्राम इकाई के रूप में परिवर्तित हो गए, इस तरीके से ग्रामीण सभ्यता या ग्राम संस्कृति का जन्म हुआ था। टी लिन स्मिथ ने इस संदर्भ में अपनी परिभाषा दी है, इनकी बुक का नाम है द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ। इन्होंने कहा है ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को हम सही अर्थों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कह सकते हैं। यानी सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित ज्ञान, ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को सही अर्थों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कहा जा सकता है।
इस संदर्भ में सैंडरसन ने भी अपनी परिभाषा दी है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। A.R. देसाई ने अपनी बुक जो है, इनकी बुक का नाम है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को निकालना है, यानी सबकी परिभाषाओं का जो आधार है वो अलग अलग है। J.V. चिदंबर ने अपनी बुक इंट्रोडक्टरी रूरल सोशियोलॉजी में लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण मानव और उसके समूह के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की मूल जो विषय वस्तु है वो ग्रामीण सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रक्रियाएं, ग्रामीण समस्याएं, उनका निराकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण आदि से संबंधित विषय वस्तु ही रही है। और इस विषय वस्तु के आधार पर ग्रामीण समाजशास्त्र की कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती है, जिनका मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विश्व की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है, ग्राम क्षेत्रों में निवास करती है, और ग्रामीण समाजशास्त्र में इसी ग्रामीण जनसंख्या को अध्ययन का आधार बनाया जाता है। इस समाजशास्त्र के माध्यम से ग्रामीण व्यक्ति के व्यवहार, मूल प्रकृति, नैतिक मूल्य, जीवन, संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है। परंतु आज के औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के इस युग में बड़े बड़े नगरों के निर्माण ने जहाँ ग्रामीण संस्कृति को क्षति किया है, छीन किया है, फिर भी अधिकांश जनसंख्या में आज भी गाँवों में निवास कर रही है, और गाँव का जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो रहा है। नगरीय आधारभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखी जा सकती हैं। दूसरा है ग्रामीण संस्कृति का अध्ययन। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति और पहचान होती है। गांव संस्कृति के मूल स्रोत रहे हैं, संस्कृति के उद्गम स्रोत भी कहा जा सकता है, क्योंकि नगर का विकास तो अपेक्षाकृत आधुनिक है। इसलिए हम किसी समाज और संस्कृति को अगर समझना है तो गाँव का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अगला है ग्रामीण समस्याओं के निराकरण हेतु ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता रही। ग्रामीण समाज के अंतर्गत गरीबी, भुखमरी, पिछड़ापन, हत्या, चोरी, अपराध, महिला संबंधी जो महिलाओं की असमानता संबंधी व्यवहार, अशिक्षा आदि विभिन्न समस्याएं रही हैं। अतः इन समस्याओं के पूर्ण विश्लेषण हेतु और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। सामुदायिक विकास कार्यों में सहायक। सामुदायिक विकास कार्य क्या है? ये 1952 में शुरू किए गए थे। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत सामुदायिक विकास योजना व कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार के विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम संबंधी जो प्रयास रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य जो है नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाना और समाज के निम्न पायदान पर जो व्यक्ति हैं उन्हें संपूर्ण मूलभूत आधारभूत सुविधाएं दिलवाना और समाज में उन्हें समायोजन करना उनका, तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के निर्माण व पुनर्निर्माण में भी सहायक होता है ग्रामीण समाजशास्त्र। अगला है ग्रामीण सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक। ग्रामीण समाजशास्त्र में समस्याओं के समाधान के साथ साथ समाज के पुनर्निर्माण यानी समाधान प्रस्तुत करने के साथ साथ उन समाधानों को लागू करना और समस्याओं को जड़ से मिटाना, ये इसका मूल आधार होता है और लक्ष्य होता है ग्रामीण समाजशास्त्र का। सामाजिक पुनर्निर्माण में विभिन्न समाज वैज्ञानिक ग्रामीण समाजशास्त्री काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। अगला है ग्रामीण नगरीय जीवन को समझने में सहायक। ग्रामीण समाजशास्त्री ग्रामीण जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते जाते हैं, और इसके साथ साथ ग्राम और नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके नगरीय जीवन को व्यवस्थित रूप से समझने में सहायता प्रदान करने वाली पद्धति को प्रस्तुत करते हैं। और ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण व नगरीय जीवन में पाए जाने वाली पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर उस महत्वपूर्ण मार्ग को ढूंढते हैं जो दोनों समाजशास्त्र के मध्य कंजंक्शन का कार्य करता है, यानी ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र को जोड़ता है। कृषक संबंधी समस्याओं के निराकरण में सहायक, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत कृषक वर्ग व उनकी समस्याओं का पूर्ण अध्ययन किया जाता है। विभिन्न कृषक आंदोलन
और उनके पीछे क्या कारण रहे हैं, उनके निराकरण, इसके संबंधित विषय विधिवार विधिवत अध्ययन करके इनका जो समाधान है वो प्रस्तुत किया जाता है। और ग्रामीण समाजशास्त्री कृषकों की आकांक्षाओं और समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान कर व्यवहारिक नीतियां निर्माण संबंधी कार्यों में भी योगदान देते हैं। इनका जो शोध होता है ग्रामीण समाजशास्त्र के आधार पर जो शोध प्रस्तुत किए जाते हैं कृषक समस्याओं के संबंध में और विभिन्न प्रकार की सरकारी नीतियां जो बनाई जाती हैं समय समय पर, उसमें ये काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भारत हमारा जो देश है वो गाँवों का देश है और ग्राम को समझे बिना हम भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज व्यवस्था और भारतीय नगरों को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आज ही प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके गांव से निर्धारित होती है। आज भी हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो हम पूछते हैं, स्वाभाविक हमारा प्रश्न होता है कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, कहां के मूल निवासी हैं। तो इसके मूल में यही प्रश्न होता है कि आप किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो आज भी लोगों में के मन में गाँव जिंदा है, इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र की महत्ता इसी बात से सिद्ध हो जाती है।